नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अमीन के कोर्स के 78वें दिन में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कार्ड यानी कि घरौनी। घरौनी क्या होता है, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने क्यों की, इससे किसानों को और गांव में बसने वाले लोगों का क्या लाभ है, अब तक की ये सरकार की नई योजना है और यह कितनी प्रासंगिक है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वामित्व योजना यानी कि स्वामी के रूप में योजना, यानी कि संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने की योजना। देखिए, ये स्वामित्व योजना केवल गाँव के लिए है, इसमें शहर शामिल नहीं है। अभी आपको हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें शहर शामिल क्यों नहीं है और गांव शामिल क्यों है। शहर में आप जानते हैं कि जिसका घर है उसके नाम से है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वह घर पर भी होम लोन ले सकता है। अगर उसका प्लाट है तो उस पर भी वो ले सकता है। तो शहर के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों के पास क्या है कि केवल खतौनी और खसरा है, यानी उनके पास अगर कोई ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी करते हैं तो केवल उसका इनके पास रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। लेकिन उनके पास घर चाहे जितना हो, चाहे एक दो बीघे में ही क्यों न बना हो घर, चाहे जितना बड़ा घर हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो घर पर होम लोन नहीं ले सकते क्योंकि वो घर उनके नाम से है ही नहीं। इसलिए सरकार ने ये सोचा कि जिस प्रकार से शहर के लोगों को होम लोन मिलता है और उनके नाम से पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक उसी तरह से गांव के लोगों को भी होम लोन मिलना चाहिए और उनके नाम से पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। तो जिस प्रकार गांव के लोगों के लिए खेतों के लिए खतौनी होती है, उसी तरह से घर के लिए घरौनी होगी, इसीलिए इसका नाम घरौनी है। अब ये होगा कैसे, तो देखिए, सबसे पहले सरकार क्या करेगी कि लेखपाल या पटवारी के माध्यम से जो संबंधित गाँव के हैं उनके माध्यम से सूचना पहुंचाई जाएगी 40 दिन पहले। यानी कि 40 दिन पहले जब गांव को, जैसे मान लीजिए किसी गांव का सर्वे करना है, तो उस गांव को 40 दिन पहले सूचना पहुंचाई गई। अब उस गांव में संबंधित दिन को सभी लोग इकट्ठे रहेंगे और उस गांव के जितने भी घर आबादी में बने हैं उन घरों का लेखा जोखा लिखा जाएगा। जिनका घर कृषि योग्य ज़मीन में है या फिर सरकारी ज़मीन में है उनकी घरौनी नहीं बनेगी। जिनका केवल आबादी में है केवल उन्हीं का पहले चूने से उसकी राउंडिंग की जाएगी चारों ओर से, उसके बाद ड्रोन कैमरे से पूरे गांव की तस्वीर ली जाएगी। तो ये काम लेखपाल पटवारी के माध्यम से या फिर और सरकारी कर्मचारी इसमें नियुक्त होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो पूरा ये सरकार का काम है। इसके बाद आपके मोबाइल पर, यानी जिसका भी घर है जहाँ पर है उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सब कुछ लिखा जाएगा, तो उसके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। उस SMS के माध्यम से लिंक खुलेगी और वहाँ से वो अपनी प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड करेगा, या अगर डाउनलोड नहीं होगी तो लेखपाल या पटवारी के माध्यम से खुद उनके घर पे पहुँचाई जाएगी। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अब इससे लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ ये होगा पहला लाभ तो ये कि इसमें होम लोन मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि बताया ना कि घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी महंगा हो, कैसा भी बना हो, लेकिन लोन मिलता ही नहीं था। तो जब उस घर का मालिकाना हक किसी को मिल जाएगा तो उसके मालिक को लोन मिलेगा। दूसरा, लेखपाल की या पटवारी की जिम्मेदारी होगी। पहले जब खेतों का कोई विवाद होता था तभी लेखपाल आकर के उसको देखता था, नाप जोक करता था, थोड़ी बहुत वो झगड़े को सुलझा देता था। लेकिन जब घरों का झगड़ा होता था तो उसमें लेखपाल की कोई भूमिका नहीं होती थी। अब जब उस घर की घरौनी बन जाएगी तो लेखपाल उस घर के लिए भी जिम्मेदार होगा, और उस घर की सीमा से मान लीजिए विवाद है, नाली का मान लीजिए विवाद है, खड़ंजे का विवाद है, या भाई भाई में बंटवारे का विवाद है, तो अब चूँकि उस घर की घरौनी है इसलिए लेखपाल पूरी तरह से उसका रिस्पॉन्सिबल होगा और काफ़ी हद तक झगड़े का निपटारा लेखपाल ही करवा देगा। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण फायदे हैं। तीसरा, अब घर का भी वरासत होगा या वसीयत होगा। वरासत का मतलब मृत्यु के बाद
और वसीयत का मतलब मृत्यु के पहले ही। तो ये सिर्फ खेतों के लिए होता था, या फिर जो उस व्यक्ति ने बैंक में कुछ रखा है अपने नाम से, मतलब उसके अकाउंट में जो है इस तरह से, उसी का वो वरासत या वसीयत कर सकता था क्योंकि वो उसके नाम से है, लेकिन घर उसके नाम से नहीं है। इसलिए नैतिक आधार पर वो घर की लिखा पढ़ी करता था, लेकिन उसका वैधानिक रूप नहीं था, उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वसीयत और वरासत नहीं होता था। लेकिन अब जब उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तो उस घर का मालिक अपनी मर्जी से उस घर को किसी के नाम से कर सकता है, यानी उस घर का वसीयत कर सकता है, और उसके वसीयत नहीं किया, मर गया, तो उसके मरने के बाद उस घर का, जैसे खेत का वरासत होता है, जैसे अकाउंट में जितना पैसा है उसका बंटवारा होता है, ठीक उसी तरह से घर का भी होगा। तो इसके तीन सबसे महत्वपूर्ण फायदे हैं घर होने के, प्रॉपर्टी कार्ड के। तो ये केवल गाँव के लिए योजना है, शहर की योजना ये नहीं है। शहर की क्यों नहीं है? क्योंकि शहर के लोग पहले से ही लाभान्वित हैं, जो इसमें लाभ मिल रहा है, और अब गांव के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो था ये, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा।